हाय फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो सर्कल शॉर्ट्स बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमने जो मेज़रमेंट लिया है, वेस्ट यानी कि कमर 32 है। 32 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10.6। तो ये 10.4 है यानी कि 32 का तीसरा भाग, उसको हम क्रोच एरे में और ऊपर की जो बेल्ट है उसमें यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक हमारा ये 1.25 मीटर है और ये थोड़ा बड़ा है। फैब्रिक को किस तरह फोल्ड करना है, जैसे ये हमारा चकोर है इसी तरह फैब्रिक है, तो इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह कोई भी कोना लेकर तिकोना फोल्ड कर लेंगे। जो 10.6 है वो यहाँ पर रखेंगे और ये क्रोचेरे के लिए रखेंगे, ये इसकी गोलाई हो जाएगी। तो इसी तरह हमें अपने फैब्रिक पर निशान लगाने हैं। फैब्रिक को भी पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह तिकोना फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने ये तिकोना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है अपना, ये 4 तह में आ गया है। अब हमें यहाँ से 10.5 इंच रखना है और सिलाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे यानी कि 11 इंच रख लेंगे। ये यहाँ से हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया क्रोचेरे के लिए। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे, तो ये यहाँ से लेंथ रखेंगे अपनी 21.5 है, तो इसी तरह 21.5 पे तो केवल हमें यहाँ पर इतना ही करना है। यहाँ पर हमने अपनी जो वेस्ट है वो उसका तीसरा भाग लिया है, यहाँ पर भी वेस्ट का तीसरा भाग लिया है और ये लेंथ रखी है। इस तरह हमने ये कटिंग कर ली है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जैसे हम ये अम्ब्रेला कट या सर्कल में कोई भी शॉर्ट वगैरह या प्लाजो वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो ये हमारा क्रोच एरिया है पहनने के बाद थोड़ा खिंचाव आता है, तो खिंचाव को दूर करने के लिए हम इसमें मियानी लगाएंगे। मियानी के लिए जो ऊपर वाला फैब्रिक है हमारा को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जितनी चौड़ी आपको मियानी लगानी है उतना ही ये हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे। मियानी को हमेशा रेब वाले फैब्रिक में ही कट करना। ये यहाँ पर परफेक्ट आएगी। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह वी शेप में फोल्ड कर लिया है। इस तरह हमने मियानी के 4 पीस कट किए हैं, 2 एक साइड आएंगे और 2 एक साइड आएंगे। तो हम इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये सर्कल है इसको हम इस तरह ओपन कर लेंगे। जो ये हमारा रेब वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरह। यहाँ पर और जो सीधा है वो सेंटर में रखेंगे।
पहले हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। एक पीस यहाँ पर जॉइंट होगा, एक यहाँ पर होगा। इस तरह यहाँ पर एक पीस हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसी का ही हम दूसरा पीस जॉइंट कर लेंगे। एक पीस में हमने दोनों साइड ही म्यानी को जॉइंट कर लिया है। इसी तरह हम अपने दूसरे पीस में जॉइंट कर लेंगे। इस तरह हमने ये दोनों पीस में म्यानी ज्वाइंट कर ली है। चार पीस कट किए थे, एक यहाँ पर और एक इस साइड लगाया है और दो इसके साथ लगाए हैं। एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों पीस लेंगे हम इस तरह सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। और जो ये हमने म्यानी जॉइंट की हैं इनको बीच में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे, ये वाली साइड भी और दूसरी साइड भी। इस तरह हमने यहाँ पर ये म्यानी सेट कर ली है। जब हम इसको पहनेंगे तो यहाँ पर हमारा खिंचाव नहीं आएगा, इससे कंफर्टेबल रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों को इस तरह रखेंगे। इस तरह यहाँ पर गुलाई आ गई है। अब हमें इसको जॉइंट करना है, तो ये जो पीस है हमारा इसको इस तरह खोल लेंगे। और ये म्यानी नीचे वाली है, ये ऊपर वाला पोर्शन जॉइंट के साथ जॉइंट रखेंगे। ये सेंटर है इसका और ये भी इसका सेंटर है। इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ये सिलाई लगा देंगे, ये यहाँ पर, फिर इस साइड यहाँ पर। इस तरह हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये यहाँ पर सिलाई लगाई है। और जो ये क्रोध यहाँ पर हमने जो म्यानी लगाई थी, तो इससे हमारा ये एरिया बढ़ गया है। अब जब भी हम पहनेंगे इसको तो यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा और ना ही यहाँ से जल्दी ख़राब होगा। अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कैसे करना है, इस तरह लेंगे बारीक एक बार और फिर इसको दूसरी बार लेंगे और पूरे गोलाई में सिलाई लगा देंगे। दोनों पैर इसी तरह फोल्ड करने हैं। नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और घेर देखिए कितना प्यारा आया है, कितना ज़्यादा आया है। अब हमें क्या करना है, इसकी बेल्ट सेट करनी है। तो बेल्ट के लिए हमने जितनी ये हमारी गोलाई है उतनी ये बेल्ट ली है। यहाँ ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने अपनी ये ऊपर की बेल्ट तैयार कर ली है। एक सिलाई ऊपर की साइड लगाई है और एक नीचे की साइड लगाई है। जो ये बीच का सेंटर है हमारा, इसमें भी ये इलास्टिक डाल लेंगे। पर हमने ये निशान लगाया है गोलाई के लिए, तो पहले ये यहाँ पर जॉइंट लगाकर इसको गोल कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको गोल कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर का पोर्शन लेंगे हम,
और इसको इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह ये हमारा जो फैब्रिक है यहाँ पर खींचने के बाद कंप्लीट आ जाएगा। तो पूरी गोलाई में हम ये अपनी बेल्ट ज्वाइंट कर लेंगे। जो इसका नीचे का घेरा है इसके ऊपर हम ये लेस लगा देंगे जिससे ये और प्यार खूबसूरत लगेगा। इस तरह ये लेस हम पूरी गोलाई में दोनों पीस में लगाएंगे, दोनों पैर में। इस तरह हमने यहाँ पर ये इलास्टिक सेट की है और नीचे की साइड ये लेस लगाई है जिससे इसका लुक और भी प्यारा आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।